नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की क्लास पर प्रतिशत संगठन निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे हम कोई यौगिक होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2, H2O, इनमें हर एक परमाणु का कितना कितना प्रतिशत मिला है उसको बनाने के लिए कैसे हम जानेंगे, तो देखिए क्या है परिभाषा। देखिए प्रतिशत संगठन की, कोई भी यौगिक होगा किसी यौगिक में उसके भार के अनुसार, ठीक है, उनके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। यही प्रतिशत संगठन है। कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना है, CO2 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया CO2 में कार्बन का प्रतिशत, तो आप फार्मूला लिखेंगे कार्बन का प्रतिशत बराबर कुल कार्बन परमाणु का भार, जितने कार्बन है 1 2 3 कुल, इसीलिए लिखा गया। तो कुल कितना, अभी 1, तो कुल सी परमाणु का भार गुणे 100 बटा CO2 का अणु भार। तो कुल कार्बन कितने थे, 1, तो 1 का भार होता है 12 मल्टीप्लाई 100 बटा CO2 का अणु भार होता है 44। 12 16 दुना 32 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। हल किया 1200 बटे 44, तो इसको हमने हल किया तो आया 27.27%, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी हिस्सेदारी है, 27.27। उसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत यदि आप निकालना चाहें तो कितना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुल ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 2, तो 16 दुना 32, ये देखिए 32। तो कुल ऑक्सीजन परमाणु का भार गुणा 100 बटा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो है हमारा अणु उसी का हमको फिर से अणु भार नीचे लिखना पड़ेगा, तो हो गया 44। इसको भाग दिया तो 72.72% आ गया। तो देखिए किस हिसाब से प्रतिशत संगठन निकलता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और H2O क्या देखेंगे, अब H2O का मैं आपको देता हूं कि H2O को आप निकाल के बताइए कि H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। इसको निकालकर आप कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।